हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बन पिज़्ज़ा, जो कि एक सिंपल और इजी रेसिपी है। चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे दो बन लिया है। इसे ऊपर की परत को अच्छी तरह से काट ले। सर्कल शेप में हम ऊपर वाले हिस्से को काट के निकाल लेंगे। इसके बाद गाइज, मैंने यहाँ पे नाइफ से एक सर्कल बनाया है ताकि बन में जितने भी नीचे ब्रेड हो वो हम निकाल सके और इसे कटोरी शेप दे दे। इसलिए मैंने यहाँ पे कट कर लिया है ताकि हम इसे चम्मच की हेल्प से इसे निकाल सके अच्छी तरह से। तो गाइज, हमने जो नाइफ से कट लगाए थे इसे मैंने चम्मच की हेल्प से इसे निकाल लिया है और ब्रेड को निकाल ले रही हूँ और ताकि इसे मैं कटोरी शेप दे दूं। आप भी इस तरह से करिएगा। दोनों को ही सेम प्रोसेस से कटोरी शेप में देना है गाइस। देख लीजिए आप, इस तरह से आपको करना है। इसे अच्छी तरह से कटोरी शेप दे देने के बाद मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस डाला है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप यहाँ पे टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा बेस में आप जो भी सॉस यूज़ कर सकते हैं आप उसे यूज़ कीजिए। इसे अच्छी तरह से नीचे फैला के पूरी अच्छी तरह से सेपरेट करके कटोरी में के जो शेप में हमारा ये बन है उसमें पूरी तरह से लगा दीजिए। इसके बाद गाइस, हमने यहाँ पे लिया है चीज़ सॉस। अगर आपके पास चीज़ सॉस नहीं है तो आप यहाँ पे मेयो का यूज़ कर सकते हैं, वेज मेयोनीज। उससे भी काफ़ी अच्छा टेक्सचर और टेस्ट आता है। इसके बाद गाइस, आप यहाँ पे अपने मनपसंद के हिसाब से टॉपिंग्स डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे अनियन डाला है। और मैंने यहाँ कैप्सिकम डाला है। आप अपने पसंद के हिसाब से टॉपिंग कीजिए। आप इसमें स्वीट कॉर्न्स भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो। मेरे पास नहीं थे इसलिए मैंने नहीं डाला। इसके बाद मैं यहाँ मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। आपके पास अगर मोज़रेला चीज़ है तो वो डालिए, वरना आप चीज़ स्लाइस या और भी कई तरह की चीज़ आप डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा सीजनिंग डाली है, थोड़े ऑरिगैनो। उसके बाद मैंने यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स डाला है। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप मिक्स हर्ब्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद गाइस, मैं इसे पैन या तवे पे सेकूंगी, जिसके लिए मैंने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने बटर डाला है। जब तक बटर मेल्ट हो जाए और पैन अच्छे से हीट हो जाने के बाद फिर हम यहाँ पे अपना बन पिज़्ज़ा रखेंगे। बटर लगाने से ये नीचे काफ़ी क्रिस्पी हो जाएगी। इसे ढककर 5 मिनट तक पकाए, जब तक चीज़ मेल्ट हो जाए। जब चीज़ मेल्ट हो जाएगी तब आप इसे ढक के खोल के देखिए। देखिए गाइस, चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और नीचे का बन काफ़ी क्रिस्पी हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ बटर का यूज़ किया है। अब इसे गर्मा गर्म आप सर्व करें। ये काफ़ी सिंपल और इजी रेसिपी है, बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। आप इसे स्नैक्स पर ले सकते हैं। ये काफ़ी ही डिलीशियस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।